हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जैन फोस्टर एकेडमी एंड आई होप यू आर वेल एंड हेल्दी। दिस इज श्वेता पांचाल और आपका स्वागत है फोस्टर एकेडमी पर इंपॉर्टेंट क्लास में। तो ये क्लास है आपकी ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास, क्लास नंबर शायद 6 है। तो इस क्लास में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मिनरल्स एंड रॉक्स। अगर आप NVS TGT की तैयारी करें सोशल साइंस के लिए तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर सारी वीडियोज आपको मिल जाएंगी सोशल साइंस से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा काफी सारे लिंक हैं जो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर चेक कर सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जो है उसका लिंक भी मेंशन है, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हो उस चीज के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं क्लास। तो मिनरल्स एंड रॉक्स, सबसे पहले जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जो टॉपिक है वो हम कर चुके हैं अर्थ के बारे में, अर्थ का जो इंटीरियर है, अर्थ की जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसके बारे में हमने काफी कुछ पढ़ा सीखा। जैसे कि हमने वायुमंडल के बारे में जाना, इसके अलावा अर्थ कैसे एक यूनिक प्लैनेट है, इस पर लाइफ है, ठीक है, प्लैनेट के तौर पर ये एक किस कौन कौन सी चीजें फुलफिल करता है। इसके अलावा अर्थ जो है उसके इंटीरियर में क्या क्या चीजें हैं, जिसमें हमने क्रस्ट पढ़ा, मेंटल कोर, ये सब पढ़ा, और काफी सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। और इसका अगला स्टेप है आपका, आप मिनरल्स एंड रॉक, इसका जो सरफेस है इसके ऊपर जो खनिज, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे मिनरल्स एंड रॉक्स, और हिंदी में बोलेंगे इसको खनिज और चट्टान, ठीक है। तो ये है हमारा टॉपिक खनिज और चट्टान। तो जो इसका क्रस्ट है यानी इसका जो सरफेस है इस पे खनिज और चट्टान देखने को मिलते हैं। तो इन ये सब कैसे फॉर्म हुए, क्या क्या चीजें हुई, इनका निर्माण कैसे हुआ, ये चैप्टर को हम अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये रॉक्स आपको पता ही है कैसे दिखते हैं चट्टान। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले शेयर करूंगी, उसके बाद अपनी स्लाइड्स नेक्स्ट शुरू करेंगे। देखिए सबसे पहले तो आपको डिफरेंस समझना जरूरी है खनिज में, यानी कि जो आपके मिनरल्स हैं उसमें, और जो आपके रॉक्स हैं यानी जो चट्टान है उसमें, ठीक है ना। तो क्या आपको पता है इन दोनों में डिफरेंस क्या है? नहीं पता तो कोई बात नहीं, पता चल जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चीज के फॉर्मेशन में कुछ एक अणु मिले होते हैं, ठीक है, यानी कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स से मिलकर ही, जब सारे मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे तो एक पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि एक ढेर लग सकता है, ठीक है। तो उस ढेर, वो ढेर जब इकट्ठा हो जाएगा तो वो इकट्ठा हुआ वो जो ढेर है, सपोज एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल हो सकता है एक ही मॉलिक्यूल के बहुत, मतलब सेम ही मॉलिक्यूल है, और वो पूरा का पूरा जमा हो गया और पूरा का पूरा फिर क्या बन गया, फिर चट्टान के फॉर्म में वो बन गया। तो समझ रहे हैं आप कि एक पूरी रॉक है, सपोज ये क्या है, एक रॉक है यानी एक पूरी की पूरी चट्टान है। लेकिन जरूरी नहीं कि इस जो चट्टान में जो मिनरल्स हों वो एक ही तरीके के हों, ठीक है। तो जो खनिज है हम इसमें से कह सकते हैं कि इसको निकाला जाता है, खनिज को चट्टान में से प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा अलग अलग तरीके से खनिजों को प्राप्त किया जाता है, लेकिन जो बेस है वो तो चट्टान ही है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जो खनिज है, आगे हम उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे कि खनिज जो है वो कितने तरीके के होते हैं, कहाँ कहाँ प्राप्त हो सकते हैं, या फिर कहाँ से आपको मिलते हैं, किस तरीके से बनते हैं। तो वही चीज का जो पूरा जो प्रोसेस है वो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो आपको मेन डिफरेंस ये पता रखना है कि छोटे छोटे आप कह सकते हैं पार्टिकल्स, कुछ तत्व मिलकर, कुछ अणु मिलकर, मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या करते हैं, पूरा का पूरा चट्टान बना देते हैं, ठीक है। और इस चट्टान में से ही हम क्या निकालते हैं पर्टिकुलर, यानी उसकी शुद्ध फॉर्म होती है खनिज, ठीक है। तो इस चट्टान में से ही हम खनिज निकालते हैं। तो इतनी चीज आपको क्लियर होगी होगी। अब चलते हैं आगे। तो जैसे कि आपको पता ही है जो हमारी अर्थ है उसका एक कोर है और एक इंटीरियर है। तो कोर जो है वो कैसा ठोस है, ठीक है। यहाँ पर आप काफी सारे प्लेन्स देख सकते हैं, यानी मैदान देख सकते हैं, इसके अलावा पठार है, बहुत सारी आकृतियां हैं, बहुत सारी शेप्स हैं, ठीक है। लैंड फॉर्म जो है अलग अलग तरीके से आपने देखा है, और लास्ट चैप्टर में हमने कुछ एक चीजें पढ़ी भी है। यहाँ पर जो कोर है इसका ये आपका कैसा, ये है आपका किस फॉर्म में है, ये आपका है गर्म और पिघली हुई, एक तरीके से कह सकते हैं अवस्था में, ठीक है। तो ये कैसी अवस्था है, यहाँ पर आपको मैग्मा मिलता है, ठीक है ना। तो जो चट्टान है वो कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज के साथ रिलेट करता है वो है मैग्मा, ठीक है। ये मैग्मा ही जो बाहर आ जाता है और जब ठंडा हो जाता है तो ये क्या बनता है, उसी से तो बनता है ना खनिज, उससे ही बनती है चट्टाने। और फिर कौन से चट्टान की क्या प्रॉपर्टी है, क्या मतलब उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं, उस हिसाब से ही अलग अलग तरीके के खनिजों का यानी मिनरल्स का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को भी देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पृथ्वी की संपूर्ण प्रॉपर्टी, यानी पूरा का पूरा जो क्रस्ट है इसका, जो पूरा सरफेस है उसमें करीब 98% जो भाग है वो 8 तत्वों से मिलकर बना है। और ये तत्व कुछ इस तरीके से हैं,
ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, लोहा, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, इन सब से मिलकर ये बना है। और अगर बात करें तो इनमें अलग अलग तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन का अगर हम वजन के अनुसार प्रतिशत देखें तो कितने प्रतिशत है, 46.660। और यहाँ पर है सिलिकॉन, सिलिकॉन की बात करें तो 27.72। एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो यह है 8.13। नेक्स्ट हम लोहे की अगर बात करें तो है 5.00। कैल्शियम की अगर हम यहाँ पर बात करें कितना है तो यह 3.63%। सोडियम की अगर यहाँ पर हम बात करें 2.83। पोटेशियम की अगर हम बात करें यहाँ पर तो पोटेशियम कितना है, 2.59%। मैग्नीशियम की बात करें तो ये है 2.09%। और अदर में हम आ सकते हैं, अन्य में देख सकते हैं 1.41%। तो इस तरीके से कुछ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये तरीकों से मिलकर पूरी अर्थ बनी है। फिर हम बात करें कि जो तत्व है इनके आपस में संयोजन से, यानी इन सबके आपस में जुड़ने से, मैंने भी बात की थी ना आपकी, आपसे बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो जब जुड़ जाते हैं तो पूरा का पूरा एक फॉर्म करते हैं, पूरी चट्टान, पूरा रॉक फॉर्म करते हैं। तो इनके संयोजन से, यानी जब भी मिल जाते हैं आपस में, उससे विभिन्न प्रकार के खनिजों का निर्माण होता है। तो इन खनिजों का जो निर्माण है वो मूलतः मैग्मा के ठंडा होने से होता है। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो मेन चीज है वो क्या है, मैग्मा। सारा खेल किसका है, मैग्मा का। जब ये मैग्मा बाहर निकलता है तो ये बाहर आके फैल जाता है। अब हम वो आगे देखेंगे किस तरीके से निर्माण होता है। तो जब वो बाहर ठंडा हो जाता है तो फिर क्या बनती है, चट्टानों का निर्माण होता है। फिर जिस तरीके की चट्टान है, जो चीजें हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं, जो हमें यूजफुल लगती है अपने हिसाब से, ठीक है, उन्हीं खनिजों को हम निकाल लेते हैं। तो ये तो चीजें हैं ना। तो नेचर कितनी बड़ी चीज है ना, कितना कुछ नेचर ने, क्योंकि नेचर ने हमारे लिए इतना कुछ किया है, तो नेचर की हमें कद्र करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो देख लेते हैं मिनरल्स क्या है। सबसे पहले एक डेफिनेशन देख लेते हैं। मिनरल्स क्या है, एक ऐसा प्राकृतिक अकार्बनिक तत्व है, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तत्व है, ठीक है, जिसमें एक क्रमबद्ध यानी एक ऑर्डरली, एक क्रमबद्ध परमाणविक संरचना यानी एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, एक, शायद आपको इंग्लिश टर्म से थोड़ा समझ में आ जाए, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक डेफिनेट रासायनिक संगठन होता है, यानी इसका जो एक इसके अंदर एक प्रॉपर केमिकल होगा। ऐसा नहीं है कि कहीं से कुछ भी सारे के सारे जो तत्व हैं वो एक साथ ही तो मिलकर बनेंगे ना। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग तरीके के तत्व हों, लेकिन सबका संगठन होगा, ठीक है, सबके सब एक साथ आकर जुड़ जाएंगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो है मिनरल क्या है, एक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जिसके अंदर क्या क्या चीजें, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, इसके अलावा क्या है, भौतिक गुण यानी एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो खनिज के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं जिनकी वजह से खनिज बनता है। मतलब अपनी हर एक खनिज की अपनी एक अलग विशेषता होती है, उसके हिसाब से वो फॉर्म हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपकी बात करें तो आप कैसे अपने अलग अलग ग्रुप बना के रहते हैं ना, है ना, जो जैसा है वो उस हिसाब के लोगों को ही सेलेक्ट कर लेता है। भूपर्टी पर लगभग 2000 प्रकार के खनिजों को पहचाना गया है। कुछ प्रमुख खनिज इस प्रकार है, देख लेते हैं खनिज, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स। तो ये है आपके फेल्डस्पार, ठीक है, क्या है, फेल्डस्पार। तो फेल्डस्पार जो खनिज है ये सिलिकॉन व ऑक्सीजन से बना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आप छोटी से छोटी चीज में पढ़कर जाएंगी, ठीक है ना, कहां से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ नहीं पता। फिर यहाँ पर फेल्डस्पार खनिज जो है वो सिलिकॉन व ऑक्सीजन से बना है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी यानी उसका जो क्रस्ट है उसका आधा हिस्सा लगभग इसी से ही बना है। इसका जो रंग है वो हल्का क्रीम से हल्का गुलाबी तक हो सकता है, और चीनी मिट्टी के बर्तन तथा कांच बनाने में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। दूसरी बात करते हैं क्वार्ट्ज की। तो इसका जो रंग है, इसका जो कलर है वो कैसा होता है, व्हाइट होता है, या फिर ये रंगहीन यानी कलरलेस भी हो सकता है। इस खनिज में, इस मिनरल का उपयोग जो है वो रेडियो तथा रडार में किया जाता है। तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रेडियो और रडार में कौन से खनिज का यूज हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। यह एक कठोर खनिज है। इसकी विशेषता क्या है कि ये हार्ड है खनिज मिनरल, और पानी में हमेशा अघुलनशील है, यानी इसको घोला नहीं जा सकता। थर्ड है आपका पाइरोक्सीन। ये पृथ्वी के लगभग 10% हिस्से पर पाया जाता है, मतलब 10% हिस्सा इससे बना है, और इसमें कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और सिलिका शामिल है। सामान्यतः अगर हम कॉमनली बात करें तो यह उल्का पिंड में पाया जाता है, और इसका जो रंग है वो हरा या फिर काला हो सकता है।
नेक्स्ट है माइका खनिज। माइका जो खनिज है, ये जो मिनरल है, इसको माइका अर्थात अभ्रक पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर कितने परसेंट है? 4% है। ठीक है, कितने परसेंट है? 4%। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कितने परसेंट है, तो पायरोक्सिन की अगर बात करें तो 10% है, और माइका या अभ्रक की बात करें तो 4% है। इस खनिज में पोटेशियम, लोह, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सिलिका उपस्थित होते हैं। इसका जो यूज होता है वो विद्युत उपकरणों में किया जाता है। ठीक है ना। एम्फीबॉल, तो एम्फीबॉल एक खनिज है जिसके अंदर क्या क्या चीज है, और ये लगभग 7% भूमि क्षेत्र पर फैला है। भूपृष्ठ का 7% जो रोल है वो ये प्ले करता है खनिज। इसके प्रमुख तत्व एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, लोह और मैग्नीशियम है। ये हरे और काले रंग का है। इसके अलावा एम्फीबॉल का जो यूज है वो एस्बेस्टस के उद्योग में होता है, और हॉर्नब्लेंड जो है वो एक एम्फीबॉल का ही एक प्रकार है। ये यहाँ से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद है ओलिविन। ओलिविन जो है ये एक महत्वपूर्ण तत्व है जो मैग्नीशियम, लोह और सिलिका से बना है। यानी ओलिविन के अंदर यही चीजें हैं, इनका जो उपयोग है वो ज्वेलरी के लिए होता है, यानी आप कह सकते हैं कि आभूषण बनाने में इनका यूज होता है। सामान्यतः ये हरे रंग के क्रिस्टल होते हैं जो कि प्रायः बेसाल्टिक शैलो में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब डायरेक्ट पहुंच जाते हैं खनिजों पर, यानी इनके टाइप्स पर। तो इनके टाइप्स जो है वो जानना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसके टाइप नहीं जानेंगे तब तक कैसे चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। ठीक है, तो इसके टाइप देखेंगे और उसके आगे आगे जाके हम इसकी विशेषता पढ़ेंगे कि मिनरल्स के अंदर क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो खनिज आपको पता ही है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर अपना एक गुणधर्म होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसके हिसाब से उसको हमने बांट दिया है। तो हमने इसके प्रकारों में एक देखते हैं धात्विक, यानी जिसके अंदर मेटल होता है, यानी मेटालिक मिनरल्स, और अधात्विक यानी नॉन मेटालिक मिनरल्स। ठीक है, जिनके अंदर धातु होती है वो धात्विक वाले हैं, और जिनके अंदर धातु नहीं है वो अधात्विक वाले खनिज हैं। तो देख लेते हैं इनमें कौन कौन से पार्ट हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धात्विक खनिज की, तो इनको हम मेनली 3 पार्ट्स में यहाँ पर आगे फर्दर डिवाइड करेंगे, जिसमें कि सबसे पहले आ जाएगा आपका बहुमूल्य वाला, यानी प्रेशियस स्टोन्स जो हैं, वो प्रेशियस जो मिनरल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, जैसे कि गोल्ड वगैरह। ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुमूल्य, एक तरीके से बहुमूल्य धातु है। तो ये धातु ही ना, तो ये धात्विक के अंदर ही आएंगे। सोना, चांदी, इनको आप अलग अलग शेप दे सकते हैं, और ये पूरी क्या है, मेटालिक फॉर्म में है। दूसरे यहाँ अगर हम बात करें तो ये आएगा लोहा, जिसके अंदर लोहा होता है, वो वाली धातुएं जिनके अंदर लोहा होता है, और वो वाली धातु जिनके अंदर लोहा नहीं होता, यानी अलोहिक धातु, इसको हम क्या बोल सकते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। ठीक है, तो इसके अंदर कौन कौन सी चीज आती है, ऑब्वियसली बात है ये सब चीजें तो आपको देख के पता चल ही रहा है, ये हार्ड है, लोहा और स्टील के निर्माण के लिए कह सकते हैं कि इसमें क्या कर सकते हैं, धातु मिलाई जाती है और इससे कई नई धातुएं बनाई जा सकती हैं। अगली बात है यहाँ पर अलोहिक। अलोहिक का मतलब होता है इसके अंदर लोहा नहीं होता। ठीक है तो वो धात्विक फॉर्म में ही, लेकिन उसके अंदर लोहा नहीं होता, ये चीज समझने वाली है। ये है बहुमूल्य, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर हो गए आपके, ठीक है, मेटल है। इसके अलावा लोहे वाली, जैसे कि आपके लोहे वाली आयरन जिसके अंदर होता है, और ये है आपकी अलोहिक जिसके अंदर आयरन कंटेंट नहीं होता। तो आयरन कंटेंट वाले आपके कौन से होते हैं, तांबा होता है, सीसा, इसके अलावा जिंक भी होता है, टिन और एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये सारे चीजें हमने देख ली हैं। धात्विक यानी मेटल वाले कौन से हैं, इनको भी फर्दर हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और इनको भी आगे हमने देखा है। अब हम बात करते हैं अधात्विक जो खनिज है, यानी नॉन मेटालिक, जिनके अंदर मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है। तो नॉन मेटालिक में सबसे पहले बात करेंगे इनके अंदर क्या चीज नहीं होती है, मेटल। ठीक है, मेटल बिल्कुल भी नहीं होता है, कोई भी तरीके से नहीं होता है। इसके अंदर कौन कौन से खनिज आते हैं देख लेते हैं। गंधक है, फॉस्फेट है, और नाइट्रेट। ठीक है, अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। इसमें सबसे ज्यादा अगर हम बात करें, पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है वो है आपका सीमेंट, कि सीमेंट जो है वो कौन सा खनिज है, कौन सा टाइप है। तो क्योंकि सीमेंट है वो बहुत सारे जो खनिज है, बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनका मिक्सचर होता है, तो सीमेंट जो है वो अधात्विक, खैर वो तो देख के पता चलता है अधात्विक खनिज है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन में आपसे पूछा जा सकता है, इन चारों चीजों को देख के पूछा जा सकता है कि इनमें से बताइए कौन से वाला खनिज का टाइप है। तो एक बार देख लेते हैं। वैसे भी धात्विक खनिज यानी जो मेटेलिक है, जिनकी टेंडेंसी कैसी है, मेटेलिक
इन खनिजों में धातुओं का अंश होता है। दूसरा, इन खनिजों को पिघलाकर इनका प्रयोग बार बार किया जा सकता है। ठीक है, एक बार पिघलाया उसके बाद फिर, या फिर एक बार दो खनिजों को ऐड करके कोई तीसरी धातु बनाई जा सकती है। इन्हें लोह व अलोह खनिजों में बांटा जा सकता है, जैसे कि लोहा, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम। अधात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो इन खनिजों में, यानी नॉन मेटालिक, जिनके अंदर मेटल बिल्कुल भी नहीं होता, धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं होता, इन्हें पिघलाया नहीं जा सकता और इनका प्रयोग केवल एक ही बार किया जा सकता है, जैसे कि गंधक, फॉस्फेट व नाइट्रेट। अब यहाँ पर बात यह है, सोना, सोना ये है मेटल वाला। सोने को पिघला के आप एक चीज को पिघला के दूसरी चीज बना सकते हैं, तो ये कैसा है? मेटल। ठीक है ना, नेक्स्ट देख लेते हैं आप। खनिजों की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव को बताने वाले कारक, यानी कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे पता चलता है कि जो खनिज हैं वो अलग अलग, हर जैसे हर एक व्यक्ति का बिहेवियर अलग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है, चीजों को टैकल करने का तरीका अलग होता है, वैसे ही जो खनिज है उनका भी चीजों को टैकल करने का तरीका और उनका जो स्वभाव है और फिजिकल उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है बिल्कुल अलग अलग है, उसके हिसाब से उनको यूज में लिया जाता है। तो खनिजों की भौतिक विशेषताएं एवं स्वभाव उन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग बनाते हैं, उनकी विशेषताएं बिल्कुल अलग है। ये कारक इस प्रकार है। पहला है क्रिस्टल का बाहरी रूप। क्या है पहला? क्रिस्टल का बाहरी रूप। तो ये इसको काफी अच्छे समझना है आपको, क्योंकि ये चीज बच्चे छोड़ देते हैं मोस्टली, तो ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। तो क्रिस्टल का बाहरी रूप, क्रिस्टल का एक्सटर्नल क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, यहाँ पे आप, मैंने आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स, या फिर कह सकते हैं कि अणुओं के वजह से तो कोई एक खनिज बनता है ना, इसमें क्या हो सकता है, कोई एक अणु भी हो सकता है, फिर कई सारे भी एक साथ हो सकते हैं। तो अणुओं की जिस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, अणुओं की जिस तरीके से व्यवस्था होगी, या कह सकते हैं अणुओं की जिस तरीके से शेप होगी, उस शेप के हिसाब से कैसा होगा वो मिनरल, यानी वो खनिज होगा। ठीक है, उनका आकार ऐसा होगा, जैसे कि घन का आकार भी हो सकता है, या फिर अष्टभुजा आकार भी हो सकता है, छह भुजा वाला भी हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रिज्म भी हो सकता है। तो ये सब डिपेंड करता है मॉलिक्यूल्स पर, यानी अणु जो है उसकी व्यवस्था किस तरीके से वो लगा हुआ है, किस शेप में वो लगा हुआ है, उस शेप के हिसाब से ये चीज डिसाइड होती है। विदलन, विदलन का मतलब क्या होता है कि अगर देखा जाए तो ये जो सारे खनिज होते हैं, जब ये कलेक्ट होते हैं, सारे जो अणु हैं ये सारे एक कलेक्ट होते हैं, तो इनकी जो टूटने की प्रवृत्ति होती है, यहाँ पर मेन चीज क्या ध्यान रखने वाली है, टूटने की प्रवृत्ति, यानी इनकी टूटने की, ब्रेक होने की जो टेंडेंसी है, उसके हिसाब से ये जो खनिज है, इस तरीके के खनिज का निर्माण होता है। और कई दिशा में, एक ऐसा होता है कि एक ही दिशा में टूट रहे और वहीं पर जाकर एक साथ लग गए हैं, और एक ऐसा होता है कि डायरेक्शन, कोई एक डायरेक्शन में नहीं टूटते, अलग अलग डायरेक्शन में जाकर वहां पर गिर जाते हैं, मतलब कलेक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पारदर्शिता। पारदर्शिता का क्या मतलब है? पारदर्शिता सबको पता ही है, ट्रांसपेरेंसी, यानी कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनको आप आर पार देख सकते हैं जिनके, ठीक है, और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके आप आर पार नहीं देख सकते। तो अगर हम यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की बात करें तो इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान रखने वाली हैं, जैसे कि पहला आपका टाइप आ जाएगा पारभासी, इसके अलावा पारदर्शी, और एक आ जाएगा आपका अपारदर्शी। ठीक है, ये टाइप हो गया आपका। तो यहाँ पर पारदर्शी में तो है बिल्कुल आर पार देख सकते हो आप, लेकिन पारभासी का मतलब होता है जिसमें आप आर पार नहीं देख सकते हो, आपको धुंधला धुंधला नजर आता है। ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है पर आपको बिल्कुल एकदम क्लियर नहीं है कि उस तरफ है क्या, मतलब जिस चीज में आप देख रहे हो उसके दूसरी तरफ प्रॉपर क्या है आपको नजर नहीं आ रहा है। और तीसरा आपका अपारदर्शी, जिसमें होता है आपका कि आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आता, इसमें थोड़ा नजर आता है लेकिन आपको बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आता, लेकिन जो अपारदर्शी होता है वो तो बिल्कुल ऐसा होता है उसको आप देख ही नहीं सकते, बिल्कुल आर पार नजर ही नहीं आता। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि जो लाइट है वो बिल्कुल भी उससे पास नहीं हो पा रही है। तो कठोरता, यानी हार्डनेस, कुछ जो खनिज होते हैं काफी ज्यादा हार्ड होते हैं, कुछ काफी हल्के होते हैं जिनको आप हाथों से तोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो जिनको आप हाथों से बिल्कुल भी नहीं तोड़ सकते। यहाँ पर अपेक्षित भार का मतलब क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, हर एक खनिज की, हर एक मिनरल की अपनी एक ग्रेविटी होती है। तो इसमें हम किस चीज का अनुमान, या कह सकते हैं किस चीज का अनुपात लगाते हैं, रेशियो जो है वो किस चीज का रखते हैं, कोई भी वस्तु है उसका भार और उसके बराबर आयतन का पानी का भार। ठीक है, तो इस तरीके से क्या निकाला जा सकता है? अपेक्षित भार। फिर है
धारियां, धारियां को क्या बोलते हैं? स्ट्रीक, यानी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जिनके अंदर धारियां मिलती है आपको, ठीक है। जब आप उनको पीस देंगे, आप उसको मिक्स निकालेंगे, पीसने के बाद जब पाउडर बन जाएगा तो उसका जो कलर है वो कुछ अलग ही कलर का आएगा। मतलब आप खनिज तो किसी और कलर का है, लेकिन जब वो पिसा है तो उसका जो कलर है वो कैसा हो गया है? चेंज हो गया है, ठीक है ना। इसमें अगर हम बात करें खनिज की, ये है मेलाकाइट। इसका जो रंग है वो हरा होता है, ठीक है, और उस पर जो धारियां हैं वो भी हरी ही होती हैं। लेकिन अगर बात करें हम फ्लोराइट की, फ्लोराइट इसका कलर कैसा होता है? इसका कलर होता है बैंगनी, और यह हरा भी हो सकता है, और इस पे जो धारियां होती हैं वो होती हैं व्हाइट कलर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कुछ खनिजों में क्या निकल जाती है, अलग अलग तरह की धारियां निकल जाती हैं, स्ट्रीक निकल जाती हैं। संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर, तो सबको पता ही है स्ट्रक्चर क्या चीज होती है। स्ट्रक्चर होता है कि हर एक कह सकते हैं कि मिनरल है, उसका अपना एक खुद का ही एक स्ट्रक्चर होता है। कुछ क्रिस्टल के आकार के होते हैं, कुछ छोटे आकार के होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं, ठीक है। कुछ खुरदुरे होते हैं, कुछ स्मूथ होते हैं बहुत, ठीक है। विभंजन, विभंजन जो है उसका मतलब क्या है? विभंजन का मतलब है कि जो मॉलिक्यूल है यानी जो अणु है उसकी जो आंतरिक संरचना है यानी उसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो बहुत ज्यादा ही जटिल है। कैसा है? जटिल है। और उस मॉलिक्यूल का कोई भी एक बेस नहीं है, या फिर उस कह सकते हैं कि कोई तल नहीं है। तो इसके अनुसार हम कह सकते हैं कि ये अनियमित तरीके से टूटता रहता है, ठीक है। मतलब कोई रेगुलर इसका वो नहीं है, अलग अलग तरीके से ये टूटता रहता है। चमक, शाइन, कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज्यादा शाइन होती है या लस्टर होता है कह सकते हैं आप। जैसे कि आप बात करें मेटेलिक, रेशम या ग्लोसी, जैसे कि आप गोल्ड की बात करें, ठीक है। कलर, आपको पता है ये कलर चेंज होता है हर एक खनिज का, हर एक मिनरल का अपना अलग अलग, तो वही चीज है यहाँ पर कि हर एक मिनरल का अपना कलर अलग है। शैले, अब हम बात करते हैं रॉक्स की। तो जो रॉक्स है, हमने डिफरेंस देखा है कि कौन सी जो रॉक है, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि मिनरल्स और रॉक में क्या फर्क है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिए। मिनरल्स रॉक से प्राप्त होता है, या फिर कह सकते हैं ये दोनों आपस में जुड़े हुए ही हैं, ठीक है। जब बहुत सारे मिनरल्स एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, सबसे पहली बात तो ये है ना कि रॉक बनती कैसे है, जो मैग्मा है वो बाहर आ जाता है, तो लावा जब आकर बाहर ठंडा हो जाता है तो उसके बनने से तो ये बनती है ना, रॉक बनती है ना। और इस रॉक में ही क्या पाए जाते हैं? खनिज पाए जाते हैं, ठीक है। तो हम खनिज कहाँ से निकालते हैं? एक पर्टिकुलर रॉक से। तो उस रॉक के बारे में भी हमें सब कुछ पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। कौन सी रॉक किस तरीके से बनती है ये हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है वो शैलों से यानी रॉक से मिलकर बना है। एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर क्या बनती है? शैले, रॉक्स बनती है। साधारण मिट्टी से लेकर कठोर चट्टानों तक भी शैल हो सकती है, यानी जो रॉक्स हैं वो बहुत कैसे हो सकती है, साधारण सी मिट्टी से वाली भी हो सकती है और बहुत ही हार्ड भी हो सकती है। अलग अलग तरीके से मैटर करता है कि उनकी जो प्रॉपर्टीज है क्या क्या है। तो शैल के प्रकार, अगर हम टाइप्स की बात करें इसकी, तो टाइप्स में हम क्या क्या देखेंगे? तीन तरीके की रॉक्स होती हैं। आपने क्लास 6 के चैप्टर में चीज पहले पढ़ चुकी होगी, लेकिन अगर आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बड़े लेवल पे पढ़ने की जरूरत है। आग्नेय शैल है, अवसादी शैल है और कायंत्रित शैल है। आग्नेय शैल जो है इसको हम इग्नेस रॉक भी कहते हैं, ठीक है, और इसके अलावा हम इसको प्राथमिक शैल भी कहते हैं। और आपको एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे सीधा मिल सकता है कि आग्नेय शैल को और कौन सी शैल कहते हैं, तो इसको कह सकते हैं हम प्राथमिक शैल। तो आग्नेय शैल इसको हम कहते हैं सोलिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा, सोलिडिफाइड फॉर्म ऑफ मैग्मा, यानी मैग्मा जो है, देखिए अर्थ में, अर्थ पर सरफेस पर, जैसे हमने वोल्केनोस पढ़ा था लास्ट वीडियो में, तो वोल्केनोस भी अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग तरीके से शेप होती है उनकी। तो सपोज ये यहां से मैग्मा निकला अर्थ के कहां से, कोर से, ठीक है, मैग्मा निकला और मैग्मा यहां से निकल के बाहर आकर फैल गया पूरा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गई? पूरी की पूरी रॉक बन गई, अलग अलग जगह पे अलग अलग उसके हिसाब से। तो इस रॉक को क्या कहेंगे हम? प्राइमरी रॉक, क्योंकि इसका जो रिलेशन है सीधा किससे? मैग्मा से, यानी एक तरीके से मैग्मा ही तो आया है ना, ये बाहर मैग्मा ही है। अब वो बाहर आके अलग अलग तरीके से चेंज हो जाएगा, वो अलग मैटर है, वो हम देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये मैग्मा ही तो बाहर आया है, तो बिल्कुल प्राइमरी रॉक इसको इसीलिए कहा जाता है क्योंकि प्राथमिक शैल है। मैग्मा से डायरेक्ट जो शैल बनी उसको हमने क्या बोला? आग्नेय शैल। और इसके अलावा इसको और क्या बोल सकते हैं? इग्नियस शैल भी बोल सकते हैं, इग्नियस, ठीक है।
और इसका ऐसा नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इग्निस जो शब्द है, इग्निस जो शब्द है, उस शब्द का मतलब क्या होता है? फायर, यानी आग। और आग का रिलेशन किससे? मैग्मा से। ठीक है, आग का रिलेशन किससे? मैग्मा से। तो फिर यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि जो लावा है, जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाता है, तो फिर उससे क्या बनती है? रॉक्स बनती है उसके ठंडे होने से। अब यहाँ पर और फिर उसको क्या बोला जाता है? आग्नेय शैल कहा जाता है। अब इसके बाहर निकलने का तरीका भी अलग अलग है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं। आग्नेय शैलों को प्राथमिक शैले भी कहा जाता है। ये शैले लावा एवं मैग्मा के ठंडे होने के बाद बनती है, और ये शैले अपारगम्य होती है, और यानी पानी या तरल पदार्थ इनमें से रिस कर अंदर नहीं जा सकता। इनमें जीवाश्मों के अवशेष भी नहीं मिलते, यानी इन वाले शेल्स में जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते, यानी फॉसिल्स नहीं मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है, ग्रेनाइट, ग्रेबो, बेसाल्ट, ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं उदाहरण है, और ये एग्जाम में आपसे पूछे भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये सारे जो शेल हैं, या फिर कह सकते हैं रॉक्स हैं, ये सारे कैसे? इग्नेस रॉक्स। यानी चीज और है, ये है कि जो उसका टेक्सचर है, बनावट है, उसके लिए काफी सारी चीजें होती है, यानी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, यानी कौन सी जो अवस्था है उस हिसाब से लावा है। जैसे कि अगर लावा बाहर आ गया है तो अलग तरीके से, बाहर आकर ठंडा हुआ है तो अलग तरीके से शैल बनेगी, और अगर कई बार क्या होता है, लावा बाहर आने से पहले ही ठंडा हो जाता है। तो इन सब सिचुएशन में हम चीजें देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले सिचुएशन वो है जब लावा जो है वो अंदर ही ठंडा हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाता है, जो ग्रेन्स हैं इसकी, यानी जो इसके कण हैं, वो काफी बड़े होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये होता है मध्यम, यानी मध्य में ही रह जाता है, तो उसके जो कण हैं वो मध्यम आकार के होते हैं, और जब पूरी तरीके से सरफेस पर आ जाता है, यानी सतह पर आने के बाद जब ठंडा होता है लावा, तो उसके बाद उसके जो कण हैं वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और काफी कह सकते हैं स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं। तो ये चीज आपसे पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर सारी जो बात है वो किस चीज की? उसके ठंडा होने की। ठीक है, जिस तरीके से वो ठंडा होगा, जिस जगह पर ठंडा होगा, उस हिसाब से उसके जो कण हैं वो बन जाएंगे। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करें, तो इसमें ग्रेनाइट, ग्रेवो, इसके अलावा बेसाल्ट, काफी इंपॉर्टेंट बेसाल्ट पूछ लिया जाता है, बेसाल्ट जो है वो कौन से तरीके का है। ठीक है, ये सब इस तरीके की सादी शैल की, और सादी शैल को हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी बोलते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बनी? ये जो वर्ड है, लैटिन वर्ड है एक, सेडिमेंट्स, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? व्यवस्थित होना, यानी सेटलिंग, सेटल हो जाना, जैसे क्लास में एंटर करते टीचर्स बोल सेटल डाउन, तो सेटल होना यानी बैठ जाना। अब सेटल होना, क्या सेटल हुआ है देखते हैं। तो जब आपको पता है ये आग्नेय शैल है, सपोज ये आग्नेय शैल है, ठीक है, तो आग्नेय शैल जो है ये, इसके साथ कुछ एक कंडीशंस होंगी जिसकी वजह से अवसादी शैल का निर्माण होता है, यानी सेडिमेंट्री शैल बनती है। नदियों, पवनों, हिमनदियों आदि के द्वारा निक्षेपित, यानी डिपोजिट हो जाते हैं कुछ पदार्थ, उनसे अवसादी शैल निर्मित होती है। तो यहाँ से हवा के चलने से, पानी के बहने से, जो शैल है ये टूट जाएंगी, और टूटने की वजह से ये बह जाएंगी, या फिर चली जाएंगी, हवा उड़ा के ले जाएगी, या फिर पानी के साथ बह जाएगी, तो वो जाकर कहीं और क्या हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो उनके साथ काफी और सारी चीजें क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ से उनकी जो फॉर्म है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, मतलब रहेगी तो वही, लेकिन उसके साथ कुछ और चीजें भी क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। और ये सब चीजें जब एक साथ ही इकट्ठी होती है ना शेल, तो उसको हम, उस वाली शेल को क्या बोलेंगे? हम उस वाली शेल को बोलेंगे अवसादी शेल। ठीक है, सेडिमेंट्री, और फिर ये धीरे धीरे वक्त के साथ साथ यहीं पर ही क्या हो जाएगी? सेटल हो जाएगी। तो इनके तीन, इसको हम तीन तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला यांत्रिकी, यानी मैकेनिकल फॉर्म में देख सकते हैं रूप से, जैसे कि बालूकाश्म, चूना, पत्थर व शेल। कार्बनिक, ठीक है, कार्बनिक भी इसका एक टाइप है, यानी ऑर्गेनिक फॉर्म, जैसे खड़िया और कोयला, यानी कोल जिसको आप बोलते हैं। अच्छा, कोल के ऑर्गेनिक का मतलब, जहां पर ऑर्गेनिक वर्ड आ गया, इसका मतलब जो है, जो जीवाश्म, आपने पढ़ा होगा कि जीव जंतु जब मर जाते हैं, या फिर पेड़ पौधे, तो वो वहीं पे ही रह जाते हैं, मतलब पेड़ पौधे या फिर जंतु या फिर ये सब चीज वहीं पे रह जाते हैं, तो काफी साल तक वो दब जाते हैं। ठीक है, और एक तरीके से कह सकते हैं अवसादी जो शैल है ना, उसको लेयर्स में देखा जाता है। तो ये एक अवसादी जो शैल है उसका एग्जाम्पल है, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है, आप यहाँ पर देखेंगे लेयर्स हैं इसमें। ठीक है, इसकी विशेषता क्या होती है कि ये लेयर्स में होती है। अब क्या है, अब पहले एक लेयर जमी, फिर दूसरी लेयर जमी, फिर तीसरी लेयर जमी, मतलब उस पर कुछ ना कुछ लेयर जमी जा रही है। तो इस तरीके से ये क्या होता है? अवसादी शैल।
आपको पता है एक जगह पे आके इकट्ठा हुआ, फिर वहां पे पेड़ पौधे जीव जंतु ये भी आए, उसके अलावा फिर कुछ और चीज आकर और शैल आकर इसके ऊपर इकट्ठे हो गए। तो इस तरीके से क्या होता है, ये एक अवसादी शैल इस तरीके से बन जाते हैं लेयर्ड फॉर्म में, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो कार्बनिक जहां पर वर्ड आ गया, इसका मतलब है वहां पर जीवाश्म यानी फोसिल्स है कहीं ना कहीं। इसलिए तो बोलते हैं ना कोयला काफी देखकर यूज होना चाहिए। ऑर्गेनिक और लास्ट है यहाँ पर रासायनिक का मतलब है केमिकल, ठीक है। क्या है? केमिकल। और ये क्या है? मैकेनिकल यानी यांत्रिक रूप से। ये है बालुकाश्म, ऑर्गेनिक तरीके से खड़िया और कोयला बनता है। और केमिकल यानी केमिकल रिएक्शन जब होता है तो पोटाश और हेलाइट आदि इस तरीके के जो खनिज है उनका निर्माण होता है, ठीक है। ये पिक्चर आपने देख ही ली है। नेक्स्ट है कायंत्रित शैल। कायंत्रित शैल का मतलब होता है यानी रूप परिवर्तन हो जाना। इसको अगर हम देखें इंग्लिश में तो हम इसको बोलेंगे क्या, मेटामॉर्फिक। जैसे कि आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलती है तब तक क्या है, आप बहुत आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। फिर आप में इस आप में क्या क्या चीजें होंगी, आप में बहुत सारा काम होना, जैसे कि आप पूरे डिटर्मिनेशन के साथ काम करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, आपका पंचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, इसके अलावा रिविजन साथ के साथ करना जरूरी है, कंटिन्यू स्टडी करना जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो ये आपके लास्ट है यहाँ पर एक जो थर्ड वाली जो शैल है कायंत्रित शैल। तो उसके बाद सबसे लास्ट हम देखें कायंत्रित, इसका अर्थ होता है रूप परिवर्तन हो जाए यानी स्वरूप में परिवर्तन हो जाना। और जब आपके पास सारी चीजें हो जाएंगी ना तब आपका रूप परिवर्तन हो जाएगा और फाइनली आपको सक्सेस मिल जाएगी, है ना। तो देख लेते हैं आप स्वरूप में परिवर्तन। इसका जो एक मंत्र है वो है आपका पीवीटी, ठीक है। तो पीवीटी का मतलब क्या होता है, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो इन तीनों चीजों से काफी ज्यादा आपको फर्क नजर आएगा। इन तीनों चीजों की वजह से ही जो है रूप परिवर्तन होगा यानी चेंज आ जाएगा इसमें शैल में। तो क्या है ये, दाब, दाब यानी प्रेशर, ठीक है। आयतन, आयतन का मतलब क्या होता है यानी वॉल्यूम, और तापमान यानी टेम्परेचर। तो इनके परिवर्तन की प्रक्रिया जो होती है पूरी की पूरी, इसकी वजह से शैल है वो नई ही तरीके की शैल का निर्माण हो जाता है। जब अवसादी शैलों के दाब, ताप एवं आयतन में परिवर्तन आता है तो कायंत्रित शैलों का निर्माण होता है। प्लेटोइंस यानी जो प्लेट्स है आपकी, टेक्टोनिक्स प्लेट्स आपको पता ही है, प्लेट्स जब खिसकती है तो उनकी वजह से क्या होता है, दबाव से शैलें अंदर की ओर क्या होती है, खिसकने लगती हैं, और इस दबाव से ही अवसादी शैलें क्या होती है, टूटने लग जाती हैं, और एक नई तरीके की शैल का ही निर्माण होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कायंत्रित शैल बोलते हैं, ठीक है। अब कायंत्रित शैल को समझने के लिए हमें इसके प्रकार वकार तो बाद में देखेंगे, लेकिन पहले एक पूरा मैं डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर है ये जो पूरा प्रोसेस है ना जिसके थ्रू ये चेंज हो रही है यानी इसका रूप परिवर्तन होता है, उसको क्या बोलते हैं, कायांतरण, ठीक है। और इसके कायांतरण में हमने क्या क्या चीजें देखी हैं, पहली है प्लेट जब खिसकने लगती हैं तो जो दबाव है वो शैल अंदर की तरफ लगने लगता है दबाव, ठीक है, अंदर की तरफ खिसकने लगती हैं। इसके अलावा ये जो दबाव है इससे अवसादी शैलें टूट जाती हैं और नई शैल का निर्माण होता है। इसके अलावा दाब, ताप और आयतन की वजह से भी काफी जो फर्क है वो देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये चीज तो आपकी आई होप क्लियर हो गई होगी कि फोर्स लगने की वजह से या फिर जब मैग्मा क्या होता है बाहर आता है तो उसकी वजह से जो आसपास का जो एरिया है उस पर भी काफी फर्क पड़ने देखने को मिलता है। तो मैं पूरा डायग्राम बना देती हूँ उससे आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो कायंत्रण होता है इसका, इसको हम बोलते हैं मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, कायंत्रण। अब इसको हम आगे देखेंगे, इसका मतलब होता है पुनः क्रिस्टलीकरण और पुनः संगठन, ठीक है। इसमें हम सबसे पहले इधर की तरफ बात करेंगे, डायनामिक तरीके से हो रहा है ये, ठीक है। कायंत्रण का जो फर्स्ट हम पार्ट में इसको डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका गतिशील टाइप का क्या, कायंत्रण, और दूसरा है आपका कैसा, ये आपका ऊष्मीय यानी इसको हम बोलेंगे थर्मल, थर्मल मेटामॉर्फिज्म, ठीक है, ऊष्मीय कायांतरण। तो ये आपको पता ही है हीट वाला पार्ट है और ये वाला है आपका, ठीक है। तो पहले इस वाले को देखते हैं हम कि ये वाला कैसे होता है। जब कोई भी इस परिवर्तन में कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता, ठीक है, कोई भी केमिकल चेंज नहीं आता है उस पर्टिकुलर चट्टान में, उस पर्टिकुलर खनिज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर कायांतरण हो रहा है लेकिन इस
पूरे प्रोसेस में जो उसका बेस है वो चेंज नहीं हो रहा है, फिर कह सकते हैं कि बिना किसी रासायनिक परिवर्तन के जब ये चट्टानें क्या होती हैं, टूटती हैं और पिस जाती हैं या फिर पिसने लगती हैं, तो जो उसके वास्तविक शैल है, जो उसके जो मेन जो रॉक है, उसमें मैकेनिज्म, ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन होता है, ठीक है, यानी यांत्रिकी व्यवधान होता है और इसकी वजह से दोबारा से ही शैल का निर्माण होता है, वो पूरे पुनः संगठित हो जाती है, ठीक है। उस पे हीट वगैरह की बात नहीं हो रही यहाँ पर, यहाँ पर हो रही है किस चीज की बात, यांत्रिकी व्यवधान की। तो क्या होगा, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण होगा, तो ये क्या है आपकी, ये इस टाइप की शैल बन जाएगी आपकी, गतिशील कायांत्रित। दूसरा अगर हम टाइप देखें ऊष्मीय, तो ये जो ऊष्मीय शैल है इसमें क्या है, ऊष्मीय ऊष्मीय जो है वो मेन रीजन बन जा रहा है, यानी हीट मेन इसका रीजन है। और इसको भी हम दो पार्ट में आगे डिवाइड कर देंगे, इसमें पहला पार्ट आपका बन जाएगा संपर्क कायांतरण और दूसरा है आपका प्रादेशिक कायांतरण। संपर्क कायांतरण का जो मतलब है वो है आपका, इसको अगर हम इंग्लिश में देखें, संपर्क का मतलब है कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट का क्या मतलब है कि जो सरफेस है, जब यहाँ से मैग्मा निकला तो वो डायरेक्ट सरफेस के कॉन्टैक्ट में आया, जो मैग्मा है वो डायरेक्ट किसके उसमें आया, सरफेस के कॉन्टैक्ट में आया। सपोज पहले से यहाँ पर चट्टान है और दोबारा से जब लावा निकला, दोबारा से जब ये लावा आया तो इसके ऊपर ये आकर कलेक्ट हो गया। अब कलेक्ट होने से क्या होगा, इसकी हो सकता है कि इसकी जो प्रॉपर्टीज है या फिर इसकी जो पहले से ही विशेषता है वो चेंज हो जाए, तो इसके दोबारा से आने से इसकी चट्टान में कुछ विशेषता हो जाए, केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि उसमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे और वो पूरे तरीके से जो खनिज है उसमें परिवर्तन हो जाएगा, उसका कायांतरण हो जाएगा, उसका रूपांतरण हो जाएगा। तो ये है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने की वजह से, मैग्मा के डायरेक्ट में कॉन्टेक्ट आने की वजह से जो पहले से ही वहां पर शैल है उसके साथ मिलके टाइम के साथ साथ प्रेशर लगने के साथ परिवर्तन आ जाए। और प्रादेशिक है कि इसमें क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, यानी मैग्मा वगैरह आ रहा है लेकिन वो काफी दूर है और प्रेशर लगा है उस पूरे एरिया पर, और जिसकी वजह से उस जो नया मैग्मा निकला है उसका थोड़ा बहुत असर उसके देखने को मिला है। ये है डायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाला और ये है आपका इनडायरेक्ट कॉन्टेक्ट वाला, यानी प्रादेशिक वाला। तो यहाँ पर आपको चीजें ध्यान रखनी है। ये इसमें जो है वो मेनली क्या हो सकता है आपका, टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से, फोर्स लगने की वजह से, है ना, जैसे कि टेक्टोनिक्स प्लेट है उनकी वजह से भी ये चीज हो सकती है प्रादेशिक परिवर्तन। तो ये चीज हमने यहाँ पर क्लियर कर ली है, ठीक है। तो ये आपका कायांतरित वाला। अच्छा, इसकी अगर अब हम कुछ पहले हम आगे देख लेते हैं, इसके एग्जांपल फिर देख लेंगे। यहाँ पर आपको दो चीजें और देखने को मिलेंगी, चलिए देख लेते हैं। कायांतरण के जो प्रकार है उसमें गतिशील कायांतरण है, वास्तविक शैलों के टूटने और पीसने के कारण शैलों में दोबारा से पुनर्संगठन होता है। फिर है ऊष्मीय कायांतरण, यानी आपका जो हीट वाला था, यानी थर्मल बोलेंगे इसको, ठीक है, और इसको बोलेंगे हम डायनेमिक। इसमें मूल शैलों में रासायनिक परिवर्तन होता है और पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। प्रादेशिक कायांतरण, ये इसी का ही एक पार्ट है, ये दोनों इसी की पार्ट है। उच्च तापमान और दाब के कारण बहुत जो बड़े शैल हैं वो उनका पूरे तरीके से परिवर्तन हो जाता है। संपर्क यानी कॉन्टेक्ट वाले गर्म लावा के संपर्क में आने से शैलों का रूपांतरण एकदम से ही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आग्नेय शैलों को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि सबसे प्राचीन है, सबसे पहले मैग्मा की अवस्था जो होती है वो यही शैल होती है, और इस मैग्मा के ठंडा और ठोस होने के कारण आग्नेय चट्टानों का निर्माण होता है, इसलिए सबसे पहले बनने के कारण इन्हें प्राथमिक चट्टाने कहा जाता है। इसके बाद ही तो आई है अवसादी और कायांतरित शैलें। अब है बैंडेड शैलें। कभी कभी खनिज या विभिन्न समूहों के कण पतली से मोटी सतह में इस प्रकार से एक दूसरे से लग जाते हैं या फिर व्यवस्थित हो जाते हैं कि वे हल्के एवं गहरे दिखाई देने लगते हैं। कायांतरित शैलों में ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं, बैंडेड कहते हैं, तथा बैंडेड प्रदर्शित करने वाली शैलों को बैंडेड कहा जाता है। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, इसमें जो है वो कुछ लेयर्स बन जाती है इन रॉक्स में, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बैंडेड। नेक्स्ट शैली चक्र। चक्र का आपको पता ही है, सबसे पहले कौन सी शैल आएगी आपकी, आग्नेय शैल, उसके बाद फिर आएगी अवसादी शैल, अवसादी के बाद आपकी कौन सी शैल आएगी, कायांतरित, ठीक है। तो ये पूरा एक शैल चक्र है जो कि सतत प्रक्रिया इसमें चलती रहती है, दोबारा से वापस से जो पुरानी शैल है वो नई बन जाती है, नई शैल जो है पुरानी हो जाती है, तो पूरा प्रोसेस ही चलता रहता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मैग्मा, मैग्मा क्या आया, बाहर आया, तो ये कौन सी शैल बन गई, आग्नेय शैल बन गई। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई, अपक्षय की प्रक्रिया हुई और
हवा पानी की वजह से ये टूटी और टूट के दूसरी जगह पर इकट्ठी हो गई। इकट्ठी होने की वजह से सेडिमेंट जो है, यानी ये इकट्ठे हो गए, सेडिमेंट इकट्ठे हुए तो सेडिमेंट्री रॉक बन गई, यानी अवसादी शैल बन गई। और इसके बाद अवसादी शैल के बाद ये डायरेक्ट कहाँ पे चली गई, मेटामॉर्फिक फॉर्म में। ठीक है, अब मैग्मा जो है वो दोबारा से इसका वो हुआ, उद्भव हुआ, तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं। और अगर ये शैल मेल्ट हो जाएगी तो मेल्ट होने के बाद डायरेक्ट फिर से ही मैग्मा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मेटामॉर्फिक जो शैल है यानी जो कायांतरित शैल है, ये भी लास्ट में क्या रूप ले सकती है, मैग्मा का रूप ले सकती है। ठीक है, प्रेशर के कारण। तो ये सब आपस में ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब ऐसा भी हो सकता है कि जो इग्नियस रॉक है उसके ऊपर जब दोबारा से मैग्मा निकले तो वो डायरेक्ट ही कैसा बन जाए, मेटामॉर्फिक रॉक बन जाए, यानी कायांतरित शैल बन जाए, उसको इतने लंबे प्रोसेस की जरूरत ना पड़े। तो ये कई तरीकों से एक दूसरे से रिलेट करती है। तो जो इग्नियस रॉक है वो कायांतरित शैल भी बन सकती है आगे जाके। ठीक है, अगर उसके ऊपर काफी ज्यादा लावा वगैरह आ रहा है या फिर कायांतरित शैल हमने पढ़ी ली है, काफी फोर्सेस वगैरह लग रहे हैं, तो उस वजह से। ठीक है ना, तो ये हमारी जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया। शिली भवन जो है उसको क्या बोलते हैं, अपक्षयित पदार्थों को अपरदन के कारण जैसे कि नदी और पवन की वजह से निक्षेपित यानी डिपोजिट जब बन जाते हैं तो फिर उस सघनता और दबाव के कारण संचित पदार्थ शैलों में बदल जाते हैं, यानी इकट्ठे हो जाते हैं, और यही प्रक्रिया शिली भवन कहलाती है। पत्रण या रेखांकन, मूल शैलों का जब कायांतरण होता है, यानी जब परिवर्तन आता है उसमें, तो इन शैलों का जो कुछ कण है या खनिज सतह पर रेखा में व्यवस्थित हो जाता है, इनको पत्रण या फिर रेखांकन कहा जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल अगर हम देखें कायांतरित शैलों में, तो इसके एग्जांपल्स में हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं, जैसे कि आपका संगमरमर। तो संगमरमर जो है वो चूना पत्थर से बना है। ठीक है, तो कायांतरित हो गया ना, बिल्कुल चूने से क्या बन गया, बिल्कुल ही संगमरमर बन गया। इसके अलावा ग्रेनाइट, ठीक है, और स्लेट, ये कुछ ऐसे ही एग्जांपल है कायांतरित शैल के, रूपांतरित शैल के। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वॉचिंग।